नमस्कार, मैं अश्वानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। आज भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। डॉक्टर 15 अक्टूबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आज भी अब्दुल कलाम आजाद भारत के सबसे चहेते राष्ट्रपति माने जाते हैं। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को हराकर सातवीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मैच में भारतीय महिला प्लेयर्स ने कमाल का खेल दिखाया। भारतीय महिला टीम ने एशिया कप T20 टूर्नामेंट के फाइनल में शनिवार को यहां श्रीलंका की पारी को 20 ओवर में 9 विकेट पर 65 रन पर रोक दिया। 66 रनों के मिले टारगेट को टीम इंडिया ने बहुत ही आसानी से हासिल कर लिया। हिमाचल प्रदेश में चुनावी रणभेड़ी बज चुकी है। दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग के मतदाता पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करेंगे। हालांकि 15,256 फीट ऊंचा यह मतदान केंद्र टशीगंग 2019 में स्थापित हुआ था तथा एक बार लोकसभा और दूसरी बार लोकसभा उपचुनाव में मतदाता यहां मतदान कर चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हादसे में बाल बाल बच गए। वह पटना में छठ घाटों का जायजा लेने के लिए तमाम अफसरों के साथ निकले थे। मुख्यमंत्री का स्टीमर जेपी सेतु से जा टकराया। आपको बता दें कि फिलहाल गंगा में जलस्तर काफी बढ़ गया है और कई जगह नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दुनिया के सभी देशों को आगाह किया है कि भविष्य में बढ़ते हुए आउटफ्लो और अस्थिरता के कारण अपने विदेशी मुद्रा भंडार को संभाल कर रखें। IMF ने ये चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये समेत दुनिया के करीब सभी बड़ी मुद्राओं में तेजी से गिरावट हो रही है। महागठबंधन और भाजपा की ओर से लगातार बयानबाजी जारी है। दोनों एक दूसरे पर अति पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगा रही है। इस बीच अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के एक बयान से सियासी घमासान मचा है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डुप्लीकेट OBC कह दिया है। वहीं भाजपा अब जदयू के ऊपर हमलावर हो गई है। अक्टूबर महीने में मासिक शिवरात्रि व्रत कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि अर्थात 23 अक्टूबर 2022 को रखा जाएगा। इस दिन धनतेरस पर्व होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ज्योतिष पांचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 23 अक्टूबर के दिन शाम 6:03 से प्रारंभ हो जाएगी और इसका समापन अगले दिन 24 अक्टूबर को शाम 5:27 पर होगा। दक्षिण कश्मीर के जिला शोपियां में आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीरी हिंदू को निशाना बनाते हुए हमला किया। गोलीबारी की इस घटना में कश्मीरी हिंदू गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां उसने जख्मों का ताव न सह पाने के कारण इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। IIT कानपुर ने जूनियर असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी निकाली है। संस्थान कुल 119 पदों पर नियुक्तियां करने जा रहा है। अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट IIT.ac.in पर जाकर लॉगिन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 नवंबर 2022 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। CSIR सोसाइटी के सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। दिवाली के त्यौहार से पहले अमूल ने देशवासियों को बड़ा झटका दिया है। अमूल ने गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों में फुल क्रीम दूध और भैंस के दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इस बात की जानकारी खुद गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के MD RS सोढ़ी ने दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि मुझे लगता है कि शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है पाकिस्तान। उनके पास बिना किसी निगरानी के परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास 160 परमाणु बम होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूसा मेला ग्राउंड में 2 दिवसीय PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी शनिवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक प्रेस वार्ता के दौरान दी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने नगर निकाय संबंधी ठोस कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए कर्नाटक सरकार को पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 2900 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कार्बेट टाइगर रिजर्व पार्क का बिजरानी जोन 15 अक्टूबर यानी आज खोल दिया गया है। कार्बेट पार्क का ढिकाला जोन 15 नवंबर से खुलेगा। इस जोन की ऑनलाइन बुकिंग 1 नवंबर से शुरू कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बिगड़े बोल। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान 2 बीवी रखता है तो उनका पूरा सम्मान करता है, लेकिन हिंदू 1 से अधिक महिलाओं को रखेल के तौर पर रखता है और उनसे नाजायज औलाद पैदा करता है। मुसलमान कोई गाजर मूली प्याज नहीं जो कोई काट दे। कोहिनूर को भारत वापस लाए जाने की मांग और इससे जुड़े अन्य सवालों को लेकर भारत सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने यह संकेत दिया है कि वह यूनाइटेड किंगडम से दुनिया के सबसे बड़े हीरे में से एक कोहिनूर को वापस लाने के तरीकों का पता लगाना जारी रखेगा।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को राजधानी काहिरा में मिस्र की यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने विदेश नीति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हस्तियों से मुलाकात की। जयशंकर 15-16 अक्टूबर तक होने वाली अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए मिस्र की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। एर्दोगन के कश्मीर संदर्भ को कम करने के बाद जयशंकर ने तुर्की के वित्त मंत्री से मुलाकात की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का सबसे भारी रॉकेट LVM-3 23 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ब्रिटिश स्टार्टअप वनवेब के 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। इस प्रक्षेपण के साथ ही LVM-3 वैश्विक वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में कदम रखेगा। LVM-3 को पहले GSLV-MK-3 रॉकेट के नाम से जाना जाता था। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म और डॉक्टर जी बीते दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म की कहानी काफ़ी नई है और एक्टर इसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट बने हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 3.25 करोड़ यानी 3.25 करोड़ का बिजनेस किया है। इसमें शेफाली शाह भी हैं। फरार IPS मनीलाल पाटीदार ने लखनऊ की कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। महोबा SP रहते हुए पाटीदार फरार हो गए थे, लेकिन पाटीदार पुलिस के हाथ नहीं लगे। इस बीच 1 लाख रुपए के इनामी पाटीदार ने खुद राजधानी के कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से सियासी रंग में रंगा हुआ दिख रहा है। सभी राजनीतिक दल के बड़े चेहरे इस चुनाव को लेकर चुनावी रैली कर रहे हैं। बता दें कि आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह हिमाचल के सिरमौर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का नया गाना नाचो नाचो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। गाने में सपना अपने ठुमकों से फैंस को बेकरार कर रही हैं। पंजाबी कुड़ी बनकर देसी क्वीन अपने जबरदस्त डांस से सबका दिल जीत रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर अलीगंज में हैं। सीएम योगी यहां राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इसके बाद ही हैबिटेट सेंटर का लोकार्पण किया। इसके अलावा सीएम 16 अक्टूबर को एटा दौरे पर रहेंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के आगाज से ठीक 1 दिन पहले शनिवार को सभी 16 टीमों के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ पहुंचे। रोहित शर्मा ने कई अपडेट दिए, तो वहीं बाबर आजम ने जन्मदिन के मौके पर केक काटा। ICC ने इसकी तस्वीरें शेयर की हैं। अमेरिका के हवाई में दुनिया के सबसे बड़े और एक्टिव ज्वालामुखी मौना लोआ ने शुक्रवार को यानी 14 अक्टूबर को 5.0 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब ये ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा अशांत हो गया है। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश और घुसपैठ से निपटने के लिए BSF जल्द ही अत्याधुनिकता उपकरण सीमा पर तैनात करेगी। ये आधुनिक उपकरण ड्रोन को न केवल जाम करने में सक्षम है, बल्कि इनसे आसमान में उड़ रहे पाकिस्तानी ड्रोन आसानी से पता भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही BSF अगले 1 महीने में कई नए उपकरण सीमा पर लगाने का भी दावा कर रही है। कर्नाटक में दुष्कर्म के आरोपी लिंगायत मठ के पुजारी शिवमूर्ति मुर्गा शरणारून की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गुरुवार को 2 नाबालिग पीड़ितों ने लिंगायत मठ के प्रभावशाली पुजारी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। आरोपी पुजारी शिवमूर्ति अभी न्यायिक हिरासत में है। पुलिस के मुताबिक बाल कल्याण समिति के निर्देश के बाद मैसूर शहर के नजराबाद पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जो यूजर्स को पहले से भेजे गए मैसेज को एडिट करने की सुविधा देगा। WA Beta Info के मुताबिक टेक्स्ट के बगल में एक एडिटेड लेवल दिखाई देगा और यूजर्स किसी मैसेज को भेजने के 15 मिनट के अंदर एडिट कर सकते हैं। हवाई यात्रा करने वालों के लिए जरूरी खबर है। DGCA ने हवाई यात्रा को लेकर नया आदेश जारी किया है। इसके तहत कुछ खास लोग हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे। नए नियम में DGCA ने यह कहा है कि कोई भी दिव्यांग फ्लाइट से सफर करने के लिए फिट है या नहीं, यह एयरलाइन कंपनियां तय नहीं करेंगी, बल्कि डॉक्टर तय करेंगे। या डॉक्टर किसी यात्री को अनफिट बताएंगे तो वह यात्री सफर नहीं कर सकेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रविशंकर, गुलाब रजा, भान प्रकाश मौर्य, दीपक कुमार, नुनू कुमार, हीरा लाल, के सिन्हा, सुजीत कुमार झा, बिट्टू कुमार यादव, मुटू रंगीला और जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके यहाँ दीपावली की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।